सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु के बेलंदूर में खुला भारत का पहला हाइपर लूप। वीडियो में एक पाइप से बाइक और स्कूटर सवार लोगों को बाहर निकलते हुए देखा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, हमने इसकी पड़ताल की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ लोगों को एक पाइप से निकलते देखा जा रहा है। इस वीडियो को बेंगलुरु ट्रैफिक समस्या से जोड़ते हुए खूब शेयर किया जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को बेंगलुरु के बेलंदूर शहर का बता रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बेलंदूर में खुला भारत का पहला हाइपर लूप #बेंगलुरु। वायरल वीडियो जब तेजी से शेयर होने लगा तो गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम भी एक्टिव हुई। दावे की सच्चाई क्या है, इसके लिए अपनी तहकीकात शुरू की। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने गूगल पर संबंधित कीवर्ड से सर्च करना शुरू किया, जिसके जरिए वायरल वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। 28 अप्रैल 2023 को प्रकाशित खबर में वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया गया। इसके रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो महाराष्ट्र के कल्याण का है, जहां ट्रैफिक से बचने के लिए कुछ बाइक सवार पाइप के अंदर बाइक चला रहे। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ा ट्वीट एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर भी मिला। 21 अप्रैल 2023 को वीडियो को ट्वीट कर लिखा गया कि ट्रैफिक से बचने के लिए बाइक सवारों ने ढूंढा अजब रास्ता, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के कल्याण से एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रैफिक से बचने के लिए कुछ बाइक सवार पाइप के अंदर बाइक चला रहे हैं। कल्याण के शील रोड पर देसाई गांव में जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा था। ट्रैफिक से बचने के लिए बाइक सवारों ने उल्टी दिशा में एक बड़े पाइप के भीतर से बाइक चलाकर शॉर्टकट मारा। बाइक सवारों की ये गैर जिम्मेदाराना हरकत वायरल हो गई है। मतलब साफ था, वायरल वीडियो के जरिए गलत जानकारी दी जा रही थी। ऐसे में खबर को और पुख्ता करने के लिए हमने एक बार फिर इंटरनेट पर सर्च शुरू किया। सर्च के दौरान एक फेसबुक यूजर के अकाउंट पर पहुंचे। इस फेसबुक यूजर ने 20 अप्रैल 2023 को वायरल वीडियो को शेयर किया है। वीडियो को कल्याण शील रोड देसाई का बताया गया है। फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो से जुड़ी एक और पोस्ट मिली। 21 अप्रैल 2023 को किए गए पोस्ट में यूजर ने लिखा है, कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था, लोकमत कल्याण डोंबिवली द्वारा लिया गया नोटिस, लेकिन क्या इस वीडियो को देखने के बाद किसी राजनीतिक या सामाजिक नेता को कुछ नोटिस हुआ, धन्यवाद। इस तरह हमारी पड़ताल से यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो महाराष्ट्र का है जिसे बेंगलुरु का बताकर शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।